जय श्री राम दोस्तों, एसपीजे किचन में आज मैं बनाने जा रही हूँ गेहूँ के आटे से बहुत ही स्वादिष्ट घर का बना हुआ पास्ता। पास्ता बनाने के लिए मैंने गेहूँ के आटे गूँथ के रखी हूँ, पहले से मैं गूँथ के रखी हूँ, जैसे रोटी के लिए गूँथते हैं इसी प्रकार। अब इसको मैं लोई काट लूँगी, बड़ी सी लोई बना के इसकी मैं रोटी बेल लूँगी, थोड़ी बड़ी सी रोटी बेलूँगी और पतली सी। तो दोस्तों, ये नाश्ता हमारा पसंद आए तो आप लाइक अवश्य कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही अलग अलग नाश्ता पास्ता आपके लिए लेके आती रहूँगी। तो आप देखने के लिए घंटी का निशान जो है उसको दबा दीजिए, तो जल्दी जल्दी आप देख पाओगे। तो देखिए, हमारी पतली सी रोटी बन के तैयार हो गई है। इसको मैं ऐसे कटर ली हूँ, ग्लास ले लीजिए चाहे आप कुकी कटर ले लीजिए, इससे काट लीजिए, ऐसे छोटी छोटी पूड़ियाँ निकाल लीजिए। तो बचे हुए जो है आटा उसको मैं निकाल लूँगी, और ये जो छोटी छोटी पूड़ियाँ हैं इसको मैं इस प्रकार से, देखिए पास्ता की तरह मैं इस नाश्ता को बना रही हूँ। तो देखिए, मैं बना रही इस प्रकार से शेप दे रही हूँ, देखने में भी बढ़िया लगेगा और खाने में बिल्कुल पास्ता की तरह लगेगा दोस्तों। ये जो है ऐसे एक बार ऐसे चिपका के आप दोबारा इस प्रकार से ऐसे चिपका दीजिए, इस और ही बढ़िया शेप आ जाता है। ऐसे कर दीजिए, देखिए कुछ भी नहीं है, सिंपल है। तो दोस्तों, इसी प्रकार मैंने सभी इस पास्ता को तैयार कर ली हूँ और थाली में रख ली हूँ। अब इसके लिए मैं पानी तैयार की हूँ, पानी उबालने के लिए इसमें मैं हाफ टेबल स्पून नमक डाल दूँगी। पानी हमारा खौल रहा है और खौलते पानी में थोड़ी सी ऑयल डालूँगी, क्योंकि ये हमारा जो पास्ता है वो चिपके ना उबलते टाइम। अब इसमें मैं इस सारे पास्ता को गिरा दूंगी इसमें, इस प्रकार से। देखिए पक गया है लगभग हमारा पास्ता, तो मैं निकाल लूंगी इस थाली में। इस प्रकार मैंने सभी पास्ता को तैयार कर ली हूँ बॉयल करके। अब मैं इस पास्ता को फिर से बनाऊंगी, तैयार करूंगी। इसके लिए मैं एक पैन ली हूँ, इसमें मैं तेल गरम करके रखी हूँ। अब इसमें मैं डालूँगी प्याज, तो प्याज में दो बड़ी साइज के प्याज को बारीक काट के रखी हूँ, ज़्यादा बारीक भी नहीं है हमारा प्याज, जैसे सब्जी में डालते हो इस प्रकार से है। इसको थोड़ा से भूनूँगी मैं, ये नहीं है कि ज़्यादा इसको भूनना है, इसका कच्चापन हटाना है और थोड़ा सा कलर चेंज करना है। तो दोस्तों, भुन गया हमारा प्याज। अब इसमें मैं डालूँगी टमाटर, मैं दो बड़े साइज़ के टमाटर काट के रखी हूँ, बारीक बारीक साइज़ में, मैं पतले पतले छोटी छोटी टुकड़ी में काट के रखी हूँ, या आप पीस भी सकते हो, टमाटर पीस के भी डाल सकते हो। अब इसके साथ में थोड़ा सा सूखा मसाला ऐड करूँगी इसमें, तो मैं सूखा मसाला ऐड कर रही हूँ, लाल मिर्च पाउडर हाफ टेबल स्पून में डाल रही हूँ, मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ और एक टीस्पून हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, हाफ टेबल स्पून नमक डाल के इसको मैं ऐसे मिला दूँगी। नमक के साथ टमाटर हमारा घुलने लगेगा और टमाटर भी घुलेगा और जो बाकी मसाला है वो भी हमारा भुन जाएगा साथ साथ। तो देखिए, भून गया है हमारा मसाला। अब इसमें मैं पास्ता सेट करूँगी, डाल दूँगी। इससे पहले मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देती हूँ, कसूरी मेथी के स्वाद बढ़िया आता है पास्ता में। दोस्तों, अब मैं पास्ता इसमें डाल देती हूँ, देखिए कितना बढ़िया लुक आ रहा है, थोड़ी बड़ी बड़ी साइज़ का लग रहा है, जैसे बाकी पास्ता आप बनाते हो उससे थोड़ी सी बड़ी साइज लग रहा है।
दोस्तों ये पास्ता आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों देखिए कितना बढ़िया पास्ता हमारा बनके तैयार हो गया है। अब मैं गैस फ्लेम ऑफ कर दूंगी। इससे पहले मैं थोड़ी सी इसमें पास्ता मसाला डाल देती हूँ। पास्ता मसाला डाल के मैं फिर से बढ़िया से चला दूंगी, इसको मिक्स कर दूंगी। अब मैं गैस ऑफ करके इसको उतार दूंगी। तो दोस्तों देखिए पसंद आया ना हमारा पास्ता, और घर के बने हुए पास्ता है, आप बच्चों को दीजिए, टिफ़िन में दीजिए, कभी भी दीजिए, पसंद आएगा बच्चों को भी, आप खुद भी खाइए, बहुत बढ़िया लगेगा। दोस्तों हमारा वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मिलती हूँ अगले वीडियो में अलग अलग रेसिपी के साथ, नए नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय सियाराम, बहुत बहुत जय सियाराम।